हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी किचन में। और मैं बनाने जा रही हूँ जोधपुर की प्याज की फेमस कचौड़ी है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, मैदा लेनी है। मैंने एक बाउल लिया हुआ है और मैंने इस कटोरी से 3 कटोरी मैदा डाली हुई है ऐसे, ठीक है। 3 कटोरी मैदा डाली है और नमक डालना है, टेस्ट अनुसार नमक डालिए। ये मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया हुआ है, इसमें ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अच्छा ऑयल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा या खस्ता कचौड़ी नहीं बनेगी आपकी। इसे मिक्स अच्छे से करना है। मैंने वो ऑयल डाला है, नमक डाला है और मैदा, तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, चम्मच अजवाइन लेनी है, आधी चम्मच मैंने अजवाइन लिए, तो ऐसे क्रिस्प करके इसको ऐसे डालना है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। ऐसे करने से अच्छी खुशबू भी अच्छी आती है। देखिए ऐसे हो जाना चाहिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और दो को अच्छे सख्त घोटना है, ज्यादा गीला नहीं करना। देखिए मैंने ये ज्यादा गीला नहीं किया है, सख्त करना है इसको, फिर सॉफ्ट करना है इसको अच्छे से। दो तैयार है कचौड़ी का। इसमें मैंने 1/2 कप पानी लगा हुआ है और ये सॉफ्ट लगाया है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब स्टोव से तैयार करते हैं, रख ली मैंने और गैस ऑन करना है। अब इसमें डालना है और 2 चम्मच ऑयल डालो। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से। अब सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जीरा डालना है 1/2 चम्मच, इसके बाद सौंफ, ये खड़ी धनिया है जो कि मैंने पहले से भून के और पीस के रख ली थी। धनिया से अच्छा टेस्ट आता है खड़ी धनिया से। 2 हरी मिर्ची, ये प्याज डालना है। प्याज ज्यादा नहीं फेंकना है, हल्का हल्का उसको ब्राउन होना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, क्योंकि प्याज की कचौड़ी अगर ब्राउन हो जाएगी ज्यादा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मसाले डालते हैं इसमें। सबसे पहले करना है क्या है, लाल मिर्ची डालना है इसमें 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट अनुसार, अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना। इसके बाद बेसन डालना है, मैंने 1/2 कटोरी बेसन डाला है इसमें, 4 चम्मच डाली हुई है कटोरी में रख के। बेसन थोड़ा भूनसा जाएगा अच्छे से, बेसन से टेस्ट अच्छा आता है। और स्टफिंग के लिए बेसन डालना ही पड़ता है, आलू और बेसन, बॉयल किए बेसन आलू है जो मैंने बॉयल किए हुए आलू मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी। ये 1/2 चम्मच चीनी ली है, इसमें 1/2 चम्मच
चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। अभी आलू डालना है जो मिक्स करके रखे थे मैंने, 2 से 3 आलू। स्टफिंग के लिए आलू जरूरी है। ये गरम मसाला डालना है 1/2 चम्मच। ये नींबू है, यदि वैसे तो नींबू का सत डालना है, यदि नींबू सत ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने आधा नींबू लिया हुआ है, इसमें रस डाल दीजिए, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छी लगती है टेस्ट में। ये हरा धनिया है थोड़ा सा, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। बस मिक्स करने के बाद ये ठंडा करना, इसके बाद कचौड़ियाँ शुरू करते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए अच्छे से। देखिए मेरा ये स्टफिंग तैयार है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये डो तैयार हुआ जो कि मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। इसको ज्यादा चिकना नहीं करना, अगर ज्यादा आप इसमें करोगे तो इसका क्या मोहन चला जाएगा, तो ये बिल्कुल खस्ता कचौड़ी नहीं बनेगी। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा हाथ में लीजिए और इसको ऐसे करके छोटी छोटी लोई बनाइए, ये छोटी छोटी लोई इतनी सी लोई बनानी है। अब इसको थोड़े से बेलन से बेल लो या फिर हाथ से बना लीजिए, या फिर ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे कर लेते थे इसमें। ये मैंने आलू की पेस्ट मुझे बना के रखा था, ये कचौड़ी का स्टफिंग, ये मैं इसको बंद कर देती हूँ। ऐसे बंद करना है इसको ताकि ये बाहर ना आए, जो एक्स्ट्रा आटा रहता है उसको निकाल दीजिए। ये देखो ऐसे अच्छे से बंद करना है इसको, ऐसे दबा दीजिए दोनों हाथों से। आप चाहो तो देखो पहले से ऐसे बन गई है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बेलन की सहायता से ऐसे कर दीजिए। ऐसे तैयार है कचौड़ी। अब इसको डीप फ्राई करनी है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें कचौड़ी डालनी है। एक डालो या दो, आराम से बन जाए ये दोनों। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच में सेकना, तेज आंच में नहीं सेकना इसको। देखिए मेरे कचौड़ी कैसे फूल गई है और ब्राउन भी हो चुकी है। बिल्कुल धीमी आंच में सेकना है इनको, तेज में सेकोगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, बाहर से अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, इसलिए धीमे धीमे सेकना। देखिए मेरी ये कचौड़ी कितनी अच्छे से फूल गई है। देखिए अब मेरी प्याज की कचौड़ी ये तैयार हो गई है। देखने में देखो कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में बहुत खाने में खस्ता है, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यदि मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।